हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल घरेलू नुस्खे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ओनियन हेयर मास्क लेकर आया हूं जो आपके बालों को लंबा करेगा। इस मास्क को बनाने के लिए 2 चम्मच बादाम का तेल, 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 2 चम्मच प्याज का पेस्ट और 1 चम्मच मेथी पाउडर। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट नई वीडियो मिलती रहें और आप नई जानकारी पाते रहें। चलिए आइए जानते हैं कि आपको इसको कैसे बनाना है, इस हेयर पैक को। एक साफ बाउल में आप सभी चीज़ें, मेथी पाउडर, बादाम का तेल, एलोवेरा जेल और प्याज का रस मिलाकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और बालों में लगाकर इसको 2 से 3 घंटे के लिए अच्छी तरह से मसाज करने के बाद आप इसको 1 घंटे के लिए बालों में लगाने के बाद अपने बालों को वॉश कर लें। बाल धोने के बाद इस हेयर पैक को भी आप 2 से 3 बार लगा सकते हैं। इसमें बादाम का तेल जो है, विटामिन ई और ए अच्छी मात्रा में होता है जो बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। यह तेल बालों का झड़ना और उनको अच्छे बनाता है और डैंड्रफ भी ख़त्म करता है। एलोवेरा जेल एल्कलाइन नामक तत्व पाया जाता है जो बालों को बहुत अच्छा रखता है और उनके बढ़ाता है और लंबे चमकदार बनते हैं और अच्छे कंडीशनर के रूप में भी यह काम करता है। एलोवेरा बालों को हाइड्रेट करके प्रोटेक्ट लेयर बनाकर उसे मजबूती प्रदान करता है। एलोवेरा में एमिनो एसिड पाया जाता है जो बालों को पोषण और हेल्दी बनाने में काम करता है। प्याज में सल्फर होता है जो बालों को बढ़ाने में हेल्प करता है। प्याज बालों के स्कैल्प के अंदर से मात्रा में पोषण देकर बालों को झड़ने से रोकता है और उन्हें स्वस्थ बनाता है। प्याज में कट एंजाइम होता है जो एंटीऑक्सीडेंट बहुत मात्रा में पाया जाता है जो बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से बचाता है। मेथी में प्रोटीन, विटामिन सी, पोटेशियम आदि तत्व पाए जाते हैं जो कि बालों को स्वस्थ, घने, चमकदार बनाने के लिए और उनको मजबूती प्रदान करते हैं। मेथी में मौजूद एम्यूनी एसिड जो है बालों को झड़ने से रोकता है। तो दोस्तों, ये था आज के अंक में कि आप अपने बालों के लिए कैसे ओनियन हेयर मास्क बना सकते हैं और अपने बालों को झड़ने से कैसे रोक सकते हैं और उनको काला बनाए कैसे रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं एक नया नुस्खा लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।